जो लोग वेट कर रहे हैं कि उनका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन कब तैयार होगी या कब तैयार होगा और एंड यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द एनर्जी ऑफ सोल मेट या कोई और रिलेशनशिप का ये उनके लिए है सो माय फ्रेंड्स द आइडिया इज अगर आप अभी भी यू आर होल्डिंग ऑन कि मैं कोई बेस बना लूँ अपना या वेट कर रहे हो कि आपके करंट रिलेशनशिप जिसमें भी आप हो कि आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका मैस्कुलिन रेडी नहीं है या फेमिनिन अभी रेडी नहीं है दिस इज नॉट द वे टू गो फॉर योर यूनियन बिकॉज वो आपके ट्विन फ्लेम हैं वो आपको ही मिरर करेंगे सो so केस आप वेट कर रहे हो कि जब वो रेडी हो जाएंगे तो मैं अपने करंट पार्टनर को छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा दिस विल नॉट हैपन क्योंकि ये लूप में चल रहा है वो आपको कॉपी करेंगे वो आपके आप जैसे आप च्वाइस लेंगे वैसे ही वो चॉइस लेंगे बिकॉज यू आर डूइंग एक्टिव इनर वर्क आप वो हो जो वीडियोज देख रहे हो और एजुकेट कर रहे हो अपने आप को इनर वर्क कर रहे हो दैन ये आपका बनता है इट इज़ अप टू यू टू टेक द लविंग चॉइस द लविंग चॉइस इज यूनियन में आना विच इज़ चूजिंग गॉड चूजिंग योर यूनियन एंड हारमोनीयस यूनियन आपको ये पता है तो ये आपने सबसे पहले कदम लेना है सो माई फ्रेंड्स अगर आप वेट कर रहे हैं कि मेरा मैस्कुलन तो अभी मुझे ब्लॉक करके रखा है मेरा मैस्कुलन मेरे से बात भी नहीं करता है तो मैं क्यों अपने पार्टनर को छोड़ू वो इसीलिए फॉरवर्ड नहीं आ रहे क्योंकि दे फील द एनर्जी दैट देर इज नो प्लेस फॉर देम आपने उनके लिए जगह नहीं छोड़ रखी तो वो क्यों आपके जीवन में आएंगे जब आपने ये चॉइस अपने अंदर ली हुई है कि आई एम ऑलरेडी होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन यहां कोई जगह खाली नहीं है तो आपका मैस्किल आपकी फेमिन नहीं आ पाएगी इसीलिए माई फ्रेंड्स इट इज टाइम टू मेक द चॉइस एंड ऑल्सो फिजिकली मेक द मूव बिकॉज आप जब दोनों चीजें करेंगे तो यूनिवर्स को सिग्नल जाएगा दैट आई एम रेडी फॉर माई परफेक्ट यूनियन माई माई यूनियन जो यूनियन गॉर्ड ने मेरे लिए तैयार किया है आप अगर वेट कर रहे हो कि वो इश्यूज़ रिजॉल्व करो जो आपके करंट पार्टनर के साथ हैं देन वर्क ऑन दैट ऑल्सो एक्टिवली क्योंकि आपने उनको क्यों अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में आपका क्या uh, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग um, है कॉन्ट्रैक्ट एज दे से कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ वी विल एक्सचेंज अ लाइफ टुगेदर एक साथ अगर आपके चिल्ड्रन हैं आपके बच्चे हैं तो भी वॉट इज द क्राइटीरिया आपने एक दूसरे के साथ यू नो कंबाइन होने का सोचा बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता लगा कि दे आर नॉट योर ट्विन फ्लेम दे आर नॉट योर फॉर एवर पार्टनर और uh, इस जर्नी ने आपको दिखाया कि ओके यू यू हैव योर परफेक्ट पार्टनर यू कैन हैव योर परफेक्ट लाइफ दैट इज़ ऑल्सो ओके नो नीड टू कैरी एनी गिल्ट और शेम कि ऐसे मैंने किया या मैं क्यों आई एम नॉट गोइंग टू बी लॉयल कि मैं इनको छोड़ दूंगी ऐसा कुछ नहीं है गॉड डजेंट आस्ट यू टू बी लॉयल टू लाइज आपको झूठ के साथ लॉयल होने की जरूरत नहीं है पर जब आपने कमिट किया था आपको नहीं पता था कि यह झूठ है राइट right? आपने अपना बेस्ट किया था उस वक्त सो फॉर गिव योर सेल्फ एंड रेडी टू मूव ऑन मेक अ चॉइस आई एम रेडी टू कम इन टू माई यूनियन और आप जब ये चॉइस लेते हैं देन आप यूनिवर्स को भी सिग्नल कर रहे हो और आपने ट्विन फ्लेम को भी सिग्नल कर रहे हो दैट आई एम रेडी फॉर यूनियन आप ये चॉइस लेते हो तो वो भी कदम लेना शुरू करते हैं बट लेट दैट नॉट बी द क्राइटेरिया कि आप ट्विन फ्लेम यूनियन चुन रहे हो कि मेरा ट्विन फ्लेम आगे बढ़ेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी ये कोई चॉइस नहीं है दोस्तों क्योंकि ये जर्नी आपके लिए है इट इज़ फॉर योर हेवन ओके एंड ट्विन फ्लेम इज़ अ पार्ट ऑफ योर हेवन यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर हेवन आप इनर वर्क करिए आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं आपका रिलेशनशिप विद मनी रिलेशनशिप विद योर सेल्फ विद योर फेमिनिटी और योर मैस्कुलिनिटी डिपेंडिंग ऑन योर पोलैरिटी रिलेशनशिप विद योर बॉडी रिलेशनशिप आपके जो वर्क uh, कोलिग्स हैं आपके जो फ्रेंड्स हैं आपका जो सर्कल है आपकी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है आपकी थिंकिंग क्या है आप कहाँ पर क्या माइंड रखते हो उस पर आप इनर वर्क करिए जितना आप प्योरीफिकेशन करेंगे वो ही असेंशन प्रोसेस बनता है तो जब आप जान जाएंगे कि ओके आई एम रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पार्टनर देन आप देखिए कि आपने इनके साथ क्यों कमिट किया था वो सारे क्वेश्चंस को आप रिजॉल्व करिए कि ओके नाउ आई मेक अ न्यू चॉइस अक्सर क्या होता है कि विमेन दे वांट अ मैन ऑन दी आउटसाइड क्योंकि उनको लगता है कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए कि वो जीवन उनके साथ ही गुजारना है कोई भी हो समटाइम्स इट इज सो बैड दैट वमेन उनको लगता है कि प्रोटेक्शन के लिए हमें कोई मैन चाहिए बाहर में बाहर में ऐसा नहीं है दैट इज नॉट ट्रू यू डोंट नीड प्रोटेक्शन बिकॉज देर इज़ नो वन अटैकिंग यू अटैक इज नॉट रियल अगर आप अटैक का सोच अपने माइंड में रखेंगे देन यू विल डेफिनेटली बी अटैक या आप सोचेंगे कि आई कैन अटैक देन यू आर मेकिंग द चॉइस ऑफ अटैक सो यू कैन हील ऑल ऑफ दिस इज वेरी डीप आपको मैं वीडियो में नहीं सिखा सकती कि कैसे इसको हील किया जा सकता है आई वुड रिकमेंड ज्वाइनिंग ग्रुप कोचिंग और यू नो हैव है इंटरसेशन विद मी एंड वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड ठीक है दोस्तों सो डोंट वेट फॉर योर ट्विन फ्लेम टू मेक द मूव यू मेक द मूव बिकॉज आपने ये चॉइस लेनी है पहले क्योंकि आपके सामने ये वीडियो आई आपके सामने ये ट्विन फ्लेम जर्नी आई तो आपको कदम उठाने हैं पहले ओके okay? and keep watching subscribe to this channel and i will see you in next videos bye